नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील त्रिपाठी नेचुरलिस्ट अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोगों के सामान्य समस्याएं जो कि पेट से संबंधित हैं। पेट की सबसे बड़ी समस्या कब्ज होना, पेट में गैस बनना, पेट में दर्द बनना, पेट में तमाम प्रकार की जलन होना, चाहे वो चीनी खा लेने से हो, चाहे वो गुड़ खा लेने से हो, चाहे वो ज़्यादा मिर्च खा लेने से हो, चाहे वो ज़्यादा प्याज और लहसुन खा लेने से हो, चाहे कम पानी पीने से हो, चाहे ज़्यादा गर्मी पड़ने से हो, चाहे अन्य प्रकार की चाइनीज आइटम खा लेने से हो, उन सभी परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं घरेलू एक नुस्खे से जो कि वैदिक काल से वेदों में बताया गया है। वाग्भट जी ने भी बताया है, पतंजलि ने भी बताया है, तमाम आयुर्वेद के लोग जानते हैं और जो घर के बड़े पुराने दादी, बाबा, नाना, नानी, बूढ़ी दादी, मोहल्ले के कोई बुजुर्ग या मोहल्ले के कोई वैद्य, इस तरह के आप सभी के परिचित होंगे जो जानते होंगे। आज मैं उसी फार्मूले को एक सरल तरीके से बिल्कुल वैदिक रीति से बनाऊंगा। इसमें उन्हीं इसको बनाने में उस प्रकार के बर्तनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा जिनका जिक्र किया जाता था कि इन मसालों को, इन जड़ी बूटियों को हम पहले धूप में सुखाएंगे, सुखाने के बाद इनको हम खलर मूसर से कूटेंगे और सिलबट्टे पर पीसेंगे, फिर कपड़े में छानेंगे और इसके बाद ही इसका हम सेवन करेंगे। इसके सेवन करने मात्र से आप देखेंगे दोस्तों, आपके जीवन में एक नया संचार आ जाएगा, आपका शरीर चमकने लगेगा, आपके शरीर में ताजगी रहेगी, आपके शरीर का जो मल मूत्र है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा, शरीर में नई कोशिकाएं बनने लगेंगी, नए खून का संचार होने लगेगा, आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे आपका कायाकल्प ही हो गया। तो अब देर न करते हुए सीधे हम इंटीग्रेंट पे जाएंगे। मित्रों, यह छोटी हर है जो कि पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगी। इसको धो के पोंछ के धूप में सुखा लिया गया, देखिए कितनी सुंदर और ताजी तैयार है। इसके बाद जो मेन इंटीग्रेंट रहेगा आपका जीरा रहेगा, ये 50 ग्राम है, और फिर ये काला नमक है, ये भी 50 ग्राम रहेगा, फिर ये मेथी है, ये भी 50 ग्राम रहेगी, एक हल्दी की दो या तीन गांठ ले सकते हैं या एक गांठ से भी काम चल जाएगा, फिर आप अजवाइन ले लीजिए 50 ग्राम, सौंठ ले लीजिए, देखिए एकदम ताजी सौंठ सूखी हुई बिना किसी मिलावट के इसका हम इस्तेमाल करेंगे, और ये रही काली मिर्च। इस काली मिर्च को आप देख के खरीद के लाएं, आजकल बहुत महंगी है, लेकिन इस तरह के इंटीग्रेंट को लाके पहले धूप में सुखाना है, उसके बाद ही इसको खलमूसर में कूटना और पीसना है। सभी मसाले और जड़ी बूटियों को खरल मूसर में पहले कूटेंगे, छोटा होने के बाद इस सिलबट्टे में पीस लेंगे, और अगर ज़्यादा फाइबर है तो इस मिक्सी में भी पीस के कपड़ा छानने के बाद चूर्ण तैयार कर लेंगे। इस तरह का चूर्ण तैयार हो जाएगा, इसे बोतल में बंद करके, डब्बे में बंद करके आप कभी भी खा सकते हैं जब इच्छा हो। ऐसे स्वाद में भी बहुत अच्छा रहता है। अगर दिल में घबराहट है, कोई बेचैनी है, कुछ भी परेशानी आपको लगे, अनइजीनेस फील हो कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो भी आप इसे खा लीजिए और तुरंत इसका असर देखिए। इस महा औषधि को मैंने आम दोषांतक का नाम दिया है जो समस्त दोषों का नाश करता है, वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। आपको एक अच्छा स्वास्थ्य वर्धक महायोग आपके घर में मौजूद है, अब स्वास्थ्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। सभी लोग इसका पूरा उपयोग करें और मुझे बताएं। धन्यवाद।